खड़ी मशीन डैम पर नहाने वालों की भीड़। उन्हीं डैम में अब तक दर्जनों से ज्यादा हो चुकी है मौत। डैम पर घूमने वालों को पुलिस खदेड़ा। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डैम में नहाने गए युवकों को जो डैम के आसपास घूमने के लिए आज जो लोग गए थे उन्हें पुलिस ने वहां डैम के पास से खदेड़ दिया। डैम के आसपास महिलाएं, बच्चे, पुरुष बड़ी तादाद में इस बारिश के मौसम में लुत्फ लेने गए थे। बड़ी संख्या में डैम के पास भीड़ की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पुलिस डैम पर घूमने आए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि मुंब्रा खड़ी मशीन रोड स्थित डैम में बारिश के महीनों में ये डैम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और अक्सर लोग इस डैम में और झरनों में नहाते हुए भी देखे जाते हैं। मगर दलदल होने की वजह से इस डैम में कई मुंब्रा शहर के नौजवानों की डूबने से मौत हो चुकी है। लगभग हफ्ते भर पहले ही दरगाह गली के एक लड़के की डूबने से मौत हो गई थी, मगर इसके बावजूद आज भी इस डैम में लोग नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी मौत होने के बावजूद अगर इस डैम में नहाते वक्त और भी मौतें होती हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस डैम को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति भी करते हैं, मगर शहर के नौजवानों की इस डैम में जान जा रही है। क्या कोई राजनीति पार्टी किसी की जान की भरपाई कर पाएगी? इस खूनी डैम पर हमने मुंब्रा शहर के नेताओं से भी बात की है। अगली खबर में हम आपको सुनाएंगे नेताओं ने क्या कुछ इस डैम पर कहा है। इस डैम में नहाने वालों और जो लोग वहां घूमने आए थे उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई है, मगर इसके बावजूद डैम में लोग नहाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बारिश का मज़ा लेने वालों को डैम से तो पुलिस ने खदेड़ दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद ये लोग फिर धीरे धीरे डैम पर ही इकट्ठा होने लगे। डैम पर सुरक्षा गार्ड की सख्त ज़रूरत है, जो हमेशा डैम पर मुस्तैद रहे ताकि कोई भी व्यक्ति नहाने के लिए डैम में ना कूद सके। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।